is mentioned in a book named Mudra Rakshas. Book named Mudra Rakshas. In this book, how Chanakya helped Chandragupta is explained beautifully. कुछ लोग को याद आया होगा, तो अगर जिनको याद आया है वो लोग राइटर का नाम बता दो. हाँ, विशाखा दत्त. तो इस बुक को लिख लीजिए, ठीक है. बुक नेम इज मुद्रा राक्षस एंड इट इज रिटन बाय विशाखा दत्त, जो कि पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड में लिखा जाता है. अभी नहीं लिखा जाएगा, जब मौर्यास खत्म हो जाएंगे तब लिखा जाता है. और फ्रेश पेज से हेडिंग डाल लीजिए मॉरल एम्पायर. मॉरियन एम्पायर. अब इनके नाम की, इनके टाइम पीरियड की बहुत ज्यादा लड़ाई है. 324, 323, 321 अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है. आप 323 मान के चलिए. क्यों? क्योंकि 324 में तो बैटल ही हुआ था, ठीक है. बट अगर 324 लेके चल रहे हैं तो वो भी गलत नहीं है, ठीक. क्योंकि बैटल में डिफीट जो है धनानंद की होती है, ठीक है. चल लिखिए मॉरियन एम्पायर, हेडिंग डालिएगा. और जैसे ही कोई एम्पायर शुरू होता है, क्योंकि इंडिया का सबसे पहला एम्पायर है, ठीक है. और इट वॉज अ ड्रीम ऑफ चाणक्य, क्योंकि उसने देखा था कि अलेक्जेंडर आया, उसने क्या कर दिया, हरा दिया. तो उसने कहा कि हम अखंड भारत की स्थापना करेंगे. यूनाइटेड इंडिया वॉज अ ड्रीम ऑफ चाणक्य. तो इसको लिख लीजिए, कई बार पूछ लेता है, ये पूछ जाता है कि अखंड भारत का सपना किसने दिखाया था. और अखंड भारत का सपना जो चाणक्य ने देखा, उसको पूरा किसने किया था? अशोक. चंद्रगुप्त मौर्य नहीं कर पाया था. चंद्रगुप्त मौर्य सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया कैप्चर कर पाता है अपनी लाइफ में, ठीक है. फिर वो बाबाओं के चक्कर में पड़ जाता है, फिर वो साउथ चला जाता है, ठीक है. मैंने आपको विश्वकन्या मेंशन करी थी, उसको उसका भी जो सीक्रेट है खोल दिया जाए. विश्वकन्या थी कि एक जहरीला पत्ता था, बचपन से वो उसको खाती थी, ठीक है. उसको पता नहीं था कि ये जहरीला होता है, पर थोड़ा थोड़ा खा जाता था, तो धीरे 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 उसके बॉडी में विष जो है वो फैल गया. देखो, आपकी बॉडी बहुत ही खतरनाक इंजीनियरिंग जो है वो एक मशीन है, ठीक. इसमें अगर आप कुछ भी चाहें कर सकते हैं, बट आपको क्या करना है कि एक लिमिटेड मात्रा में चीजें करनी होती है, ताकि आपका जो बॉडी है, ठीक, वो पर्टिकुलर चीज के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना पाए. अगर साइंस आपने पढ़ा है, ठीक है, तो साइंस एंड टेक में आपने देखा होगा कि सार्स को जो आपका प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन होती है वो कैसे काम करती है, ठीक. कि हम क्या करते हैं, एटीन्यूएटेड वायरस जो है अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं, और जैसे ही वायरस डालता है तो वैसे ही बॉडी आपको बताती है कि देखो कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना दो. और जब एंटीबॉडीज बन जाएंगी, तो अगर वो वायरस आया भी, क्योंकि हमने पहले ही वायरस डाल दिया है, जो आपने वैक्सीन लगवाई होगी कोविड के टाइम पे, एक्चुअली में वो क्या था, इट वॉज वायरस, प्रोटीन वायरस, ठीक है, आपकी बॉडी में डाल दिया गया. जैसे ही वो गया, एक दो दिन आप थोड़े बीमार रहे होंगे, बुखार उखार आया होगा या डिजीनेस लगी हो, क्यों, क्योंकि बॉडी वर्क कर रही है, एंटीबॉडीज बनाई जा रही है. और जैसी एंटीबॉडी बना, अब ऐसा कोई भी वायरस आ जाए बाहर से, आपकी बॉडी लड़ने के लिए तैयार है, आपकी बॉडी को कुछ नहीं होगा, ठीक है. एक तो ये है, एक चीज आपने सुना होगा कम्युनिटी इम्यूनिटी की. पर्टिकुलर क्या होता है कि एक इंसान को कुछ हुआ, पूरी कम्युनिटी को हुआ. अगर वायरस पूरी कम्युनिटी में फैल गया है और एक वो अपने लेवल तक पहुंच गया है, पीक तक, उसके बाद फिर किसी की डेथ नहीं होती है. क्यों? क्योंकि धीरे 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 धीरे
इम्यूनिटी जो है वो डेवलप हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है बहुत ही इंजीनियर्ड मशीन है, बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकती है। तो विषकन्या जो थी, ठीक, क्योंकि उसको पता नहीं था कि जो भी वो पत्ती खा रही है बचपन में जब वो छोटी थी तो वो क्या है, जहरीला है, बट वो खाती गई। जब खाती गई तो वो किसी को भी काट ले आदमी मर जाएगा, तो उसका वेपन ही यही था कि दांत काट लेना और वो इंसान मर जाता था। तो when this Kautilya was teaching these people, ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ कि लड़ाई लड़ाई में हुआ, उसने किसी को काटा और आदमी खत्म। तो उसने बुलाया कि ये क्या है क्या नहीं, तो कौटिल्य ने जाना कि अच्छा ऐसा, तो बोले ये है कैसे, हुआ कैसे, क्या कोई दिक्कत है, कोई मायावी शक्तियां तो नहीं है ये। तो उसने फिर नोटिस किया, ठीक है, उसने बताया कि ऐसा ऐसा होता था तो हो सकता है इस वजह से हो। तो कौटिल्य बहुत ही खतरनाक इंसान है, उसने कहा अच्छा ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। जैसे ही चंद्रगुप्त राजा बनता है, ठीक है, चंद्रगुप्त को रोज अलग अलग प्रकार के पॉइजन दिए जाते थे, ठीक, छोटी छोटी मात्रा में, सरसों के दाने बराबर, ठीक है। क्यों दिया जाता था? क्योंकि भाई दुश्मन बहुत थे उसके, और चाणक्य को आज के टाइम पे थोड़ा सा फैनेटिक बोला जाएगा, ओवर कॉशियस था वो इंसान, ठीक है, कि मान लो कभी ऐसा हुआ कि चंद्रगुप्त को किसी ने जहर दिया तो मरेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि उसको पहले ही जहर दिया जा रहा है। इवन द हार्डेस्ट पॉइजन्स लाइक जो आपका कोबरा पॉइजन होता है, जो सबसे जहरीला सांप होता है, उसका भी पॉइजन उसको दिया जाता था थोड़ा थोड़ा, और उसका कोई खाना खा ले गया काम से। उसकी पत्नी को भी उसका खाना खाने का वो इजाजत नहीं था, ठीक है, और उनकी पत्नियां जो है उस जब वो खाना खाता था तो उस कक्ष में होती ही नहीं थी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी पत्नियां थी भाई, किसी को नहीं बुलाता था, वो अकेले खाना खाता था, ठीक, और उसे खाने में पॉइजन कौन रख, पहले क्या है कि चाणक्य जाएंगे टेस्ट करेंगे, उसके बाद जो है उसमें पॉइजन डाला जाएगा। अरे कोई किसी और ने डाल दिया तो भर के डाल दिया लोग, किसी नौकर को थोड़े बोलेंगे कि इसमें पॉइजन मिलाना है, और किसी को पता थोड़े था कि इसके खाने में पॉइजन होता है, ये सिर्फ किसको पता था, चाणक्य को और चंद्रगुप्त को, दे ओनली न्यू दिस थिंग, और पहले तो चंद्रगुप्त को भी नहीं पता था कैसा कुछ हो रहा है, बट जब वो बीमार तो उसने चाणक्य ने ये गलत है इसको तो बता ही देना चाहिए, ठीक, और ये भी बताया गया कि क्यों दिया जाता है तुमको, ठीक है, और कई बार ऐसा बोला भी जाता है कि उस कोशिश की भी गई बट कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ उसको मारने में, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली इम्यूनिटी जो है उसकी डेवलप हो चुकी थी। बट सबसे पहला पॉइंट, ये सब कहानियां ये सब पढ़ने के पहले हम लोग को जो पता लगाना होता है वो एक सवाल होता है कि कौन है ये लोग, ठीक है, हाँ, तो कहां से आते हैं ये तो पता ही है तुमको, इंडिया से ही है, ठीक, लेकिन कौन है इसका डिबेट है। डिबेट ये है कि ये कौन सी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है या क्या है, ठीक है, तो अलग अलग थॉट्स हैं, किसी को मालूम ही नहीं, क्यों, क्योंकि पेरेंट्स का पता है ही नहीं चंद्रगुप्त के, ठीक, इसके बाद के लोगों के बारे में जानकारियां आपके पास मिलेंगी, ठीक है, कि कौन कहां से है कौन कहां से नहीं है, ठीक, बट इसके कोई जानकारी नहीं है। डिफरेंट व्यूज ऑन द ओरिजिन्स ऑफ द मौर्यास, कि कौन कहां से आया है, ठीक, बुद्धिस्ट ये कहते हैं कि ये लोग क्या है, क्षत्रिय है। अब ये क्यों बोला जाता है, बिकॉज अशोक द ग्रेट He was a follower of Buddhism. ठीक, तो वो कैसे बोल सकते हैं कि ये क्षत्रिय नहीं थे, और इन्होंने जो कैलिबर शो किया, जो टैलेंट शो किया, वो भी एक क्षत्रिय का ही था, ठीक। सो बुद्धिस्ट सोर्सेस जो है, they speak of the existence of क्षत्रिय clan called Mauryas, ठीक है, living in the region of Gorakhpur adjoining the Nepali Tarai, ठीक है। जैन लोग क्या बोलते हैं कि ये मौर्या clan जो हुआ करता था, और इनका काम होता है टेमिंग ऑफ पिकॉक, क्या करते थे ये पिकॉक पालते थे, फिर उसका नाच दिखाते थे, उससे पैसा कमाते थे, ठीक। तो ये मौर्या क्लैन, और ये क्यों बोला जाता है कि हाँ ये मोर से इतने ज्यादा क्यों जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप जब देखेंगे कि अशोक के टाइम पे जो कॉइन्स इशू किए गए हैं उस पे भी आपको क्या मिलेगा, मोटिफ ऑफ पिकॉक, और जो अशोक है, अशोक राजा तो है लेकिन अशोक बिग बॉस भी है, हाँ, बिग बॉस चाहते हैं कि आप घर से बाहर चले जाएं, ठीक है, तो अशोक जो है लिखवा देता था कि अशोक चाहते हैं कि तुम लोग मोर खाना बंद कर दो, और अगर किसी कोई पाया गया कि कोई मोर खा रहा है
ठीक है, तो उसको क्या दिया जाएगा, सजाए मौत। ठीक है, तो अशोक ने ऐसे रूल्स पास ऑन किए थे, तो इससे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं दे बिलोंग टू मौर्या क्लैन, मतलब दे वर रिलेटेड टू पीकॉक, क्योंकि सिखों पे भी आपने मोर बनवा रखा है, मोर के लिए आप थोड़ा सा फेनेटिक भी है कि अगर किसी ने खाया तो मार देंगे उसको। ठीक है, और खूब सारे मोर जो है अशोक की सेंचुरी में रखे जाते हैं। ब्राह्मणिकल जो लोग हैं वो क्या कहेंगे, वो हमेशा यही कहेंगे लोग बेकार थे, शूद्र थे। ठीक है, क्यों, क्योंकि आइडियोलॉजी का फर्क है। ठीक, ये कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य वॉज बॉर्न ऑफ मुरा विच वॉज अ शूद्र वुमन। ठीक है, इन द कोर्ट ऑफ नंद। उसके बाद ग्रीक्स जो लोग हैं, ग्रीक लोग जो हैं चंद्रगुप्त बोल नहीं पाते क्योंकि उनकी जीभ टेढ़ी होती नहीं है। ठीक, तो वो लोग चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस बोलते हैं। ठीक है, सैंड्रोकोटस वो क्या था, इट ही वॉज बॉर्न ऑफ अ हम्बल ओरिजन। इनको ये नहीं मालूम है कि यहाँ कास्ट डिविजन है, तो ये लोग बोलते हैं हम्बल ओरिजन। हम्बल ओरिजन मीन्स कि लो बॉर्न, मतलब ज्यादा अमीर नहीं हुआ करते थे। ठीक, और अदर व्यूज भी है, द सोर्सेस इन बुद्धिज्म लाइक दिव्यवादन एंड आपका वामपक्षिणी, वो कहते हैं दे कंसीडर दैट मौर्यास आर अ मेंबर ऑफ द मौर्या क्लैन ऑफ पीपल वीना। तो मेजोरिटी ऑफ वो जो है आपको वो ये मिलेगा कि ये लोग जो है कहीं ना कहीं दे वर रिलेटेड टू मौर्या क्लैन, और मौर्या क्लैन इज रिलेटेड टू पीकॉक, पीकॉक टेमिंग। ठीक, तो हम लोग यही मान के फिर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, रोमिला थापर जो हिस्टोरियन है, ठीक है, वो कहते हैं चंद्रगुप्त बिलोंग टू मौर्या ट्राइब। फिर से एक चीज आ गई, मुद्रा राक्षस मौर्यंस वर कनेक्टेड विद द नंदास, तो वो कनेक्टेड थे क्योंकि उसी साम्राज्य में रहा करते थे। ठीक है, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, मैंने आपको फर्स्ट डे मेंशन किया था कि इनका जो मिनिस्टर हुआ करता था पुष्यगुप्त, ठीक, वो जाता है और जूनागढ़ में सुदर्शन लेक बना के आता है, उसमें ये बताया गया है देवर ऑफ वैश्य ओरिजिन, मींस क्या कि ये लोग क्या है, ट्रेडर मर्चेंट्स, और वो है जो हम लोग उसको खारिज कर देते हैं कि ये बकवास है। ठीक, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। नाउ ये आपने देख लिया, तो एक पैराग्राफ लिख लीजिए कौन है ये लोग के लिए। देखिए, देयर इज अ लॉन्ग डिबेट ऑन द ओरिजिन ऑफ मौर्यास, देयर इज a long debate on the origin of Mauryas, but most agreed argument is that Chandragupta had a humble origin and somehow had a humble origin and somehow they were related to Mauryas clan of eastern UP, and peacock taming, Mauria clan of eastern UP and peacock taming was their profession along with peasantry. Peacock taming, PAMING, एक शब्द बोल दो तो इधर उधर गरबा करने लगते हैं लोग। Peacock taming was their profession along with peasantry. Now write sources of Mauryan Empire, कहां से पता चलता है हमें Mauryan Empire के बारे में, क्योंकि पहला empire है, ये सब जानना जरूरी है। तो ये रहे sources, ठीक है, sources of Mauryan Empire। जैसे पहले दिन आपने चीजें देखी थी, ठीक है, कि वी हैव टू सोर्सेस, पहला है आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, जहां पे इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स और अदर मटेरियल रिमेन्स में जैसे आयरन इंप्लीमेंट्स, नॉर्दर्न बैकवेयर, पॉलिशवेयर आपको मिलता है, ठीक, बर्न ब्रिक्स मिल जाएंगे, मॉन्यूमेंट्स में आपको स्तूप मिलते हैं,
ठीक है, आपको पैलेसेस मिल जाते हैं, तो ये सारी चीजें जो है ये बताती हैं मौर्यस के बारे में, बट मेजोरिटी ऑफ द नॉलेज दैट वी हैव इज फ्रॉम लिटरेरी सोर्सेज ऑफ मौर्यन एम्पायर। ठीक है, लिटरेरी सोर्सेज में एक तो इंडियन लिटरेचर है और आपका फॉरेन लिटरेचर। फॉरेन लिटरेचर में इंडिका बाय मेगास्थनीस, इट हैज गिवन अस मेनी इंफॉर्मेशन अबाउट मौर्यन एम्पायर। ठीक, इंडियन लिटरेचर में अगर आप चलेंगे तो यू विल फाइंड रिलीजियस लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर इज डिवाइडेड इनटू ब्राह्मणिकल, बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर। ठीक, ब्राह्मणिकल लिटरेचर में पुराण में मौर्यास आर मेंशन एज अ लो बॉर्न। ठीक है, कि ये लोग क्या है कि छोटी कास्ट से बिलोंग करते हैं, मोरा ट्राइब, एंड दे आर शूद्र। इनका मेंशन है, वो शूद्र है नहीं है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, बट वो पुराण में मेंशन है ये हमें पता चलता है। ठीक है, देन बुद्धिस्ट लिटरेचर, बिकॉज बुद्धिस्ट लिटरेचर और अशोक बुद्धिज्म को बिलोंग करते थे, तो इसमें आपको कई जगह पे इसका जिक्र मिलेगा। सबसे पहला जो सोर्स है वो आपका जातक टेल, जातक कथाएं जितनी है उसमें आपको चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का जिक्र मिलता है। दिव्यवादन एंड अशोक वादन, इट इज रिलेटेड टू अशोक, कैसे अशोक ने बुद्धिज्म अपनाया और अशोक कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, देन श्रीलंकन क्रॉनिकल्स हैं, दीपवंश एंड महावंश, इनको भूलिएगा मत। ठीक है, दीपवंश, महावंश, दिव्यवादन हो गया, अशोक वादन हो गया, दीज आर प्रिटी मच रिलेटेड टू अशोक। ठीक है, और जो चीज अशोक से रिलेटेड है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, देन उसके बाद महायान के कुछ वर्क हैं जिसमें मंजूश्री मूलकल्प लिखा हुआ है, उसमें भी मौर्यास और अशोक के बारे में बात किया गया है और ये कहा गया है दैट दीज पीपल वर फ्रॉम यूपी ओरिजिन एंड दे रूल्ड ओवर द मगधन एम्पायर, और कैसे चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोक के अंडर ये एम्पायर जो है वो फ्लरिश करता है। ठीक, जैन लिटरेचर में आप चलेंगे तो जैन लिटरेचर में हेमचंद्र के द्वारा जो किताब लिखी गई है परसिस्ती वर्णन, उसमें भी आपको जिक्र मिलेगा। हिस्टोरिकल सेकुलर लिटरेचर में चले जाएं तो कौटिल्य की लिखी हुई अर्थशास्त्र, ठीक है, और मुदा राक्षस बाय विशाखा दत्त। सो दीज आर द सोर्सेस ऑफ मौर्यन ओरिजिन, कि किस तरीके से, और यहीं से हमको मालूम पड़ता है कि व्हाट वाज द सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग द मौर्यन एम्पायर। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग इसको जानेंगे। पहले हम अर्थशास्त्र की अगर बात करें तो अर्थशास्त्र किताब तो आपने जान ली, बट अर्थशास्त्र जो है इट इज डिवाइडेड इंटू 15 बुक्स, एक किताब नहीं है वो। ठीक है, इट इज अ कंपाइलेशन ऑफ 15 बुक्स, अमंग द 15 बुक्स इट इज डिवाइडेड एज फॉलोस। ठीक, 1-5 दे आर रिलेटेड टू इंटरनल मैटर, जिसको हम बोलते हैं, ये 15 बुक्स को अधिकारण बोला जाता है, दे आर अधिकारण्स। ठीक, और इसके अंदर जो चीजें लिखी गई हैं दे आर कॉल्ड प्रकीर्णास। ठीक, इंटरनल मैटर, अब इंटरनल मैटर में क्या क्या होगा, इंटरनल मैटर में किंग कैसा होना चाहिए, किंग को अक्सर ये लोग क्या बोलते हैं, स्वामी। ठीक, हाउ अ किंग शुड बी, किंग ऐसा होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पब्लिक इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ किंग, हैप्पीनेस ऑफ पब्लिक इज द हैप्पीनेस ऑफ किंग, राजा ऐसा ही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र। इंटरनल मैटर में स्पाइस किस तरीके से रखे जाने चाहिए, कौन कौन स्पाइस बनने के योग्य है। ठीक है, स्लेवरी या स्लेव जो रखने हैं उनका चयन किस तरीके से होना चाहिए। ठीक, मिलिट्री ट्रेनिंग किस तरीके से इम्पार्ट करनी चाहिए, दीज ऑल थिंग्स आर मेंशन। देन बुक नंबर 6-13 अगली जो किताबें हैं, ठीक, दे टॉक अबाउट इंटरनेशनल और फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स, और फॉरेन अफेयर्स में बेसिकली आपको मिलेगा कि अलाय किसको बनाना चाहिए, किसको नहीं बनाना चाहिए, सी कि ट्रेड के क्या क्या रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए, ठीक, ट्रेड एंड कॉमर्स के, और जो बाहर से आपके टूरिस्ट वगैरह आएंगे, टूरिस्ट हो गए, एम्बेसडर हो गए, उनके लिए किस तरीके की व्यवस्था और किस तरीके का डिपार्टमेंट यू हैव टू क्रिएट, ये सारी चीजें आपको उसमें मिलेंगी। एंड बुक 14 and 15 दे गिव मिसलेनियस नॉलेज, ठीक, मिसलेनियस नॉलेज, और मिसलेनियस नॉलेज को आज बहुत ही गलत तरीके से पेश किया जाता है बाय द सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ टुडेज वर्ल्ड। ये यूट्यूब पे बैठ जाते हैं और बताने लगते हैं चाणक्य नीति,
तो जो चाणक्य नीति आप सुनते हैं इधर उधर, वो यही मिसलेनियस नॉलेज में से लिया गया है, ठीक है। और इसमें अधिकतर चीजें जो है वो गलत बताई जाती हैं आपको, जो एक्चुअल राइटिंग है उससे बिल्कुल अलग, क्योंकि इतना किसी के पास समय थोड़े है कि वो चाणक्य की किताबें बैठ के पढ़ेगा। सुनी सुनाई बातें जो है और मैसेज जो है बहुत बदल जाते हैं जब वो एक जगह से दसवें, एक इंसान से दसवें इंसान तक पहुंचता है, ठीक। स्लेव, स्पाइस, जासूस। स्पाइस के बारे में अर्थशास्त्र में लिखा है, स्पाइस ऐसे होने चाहिए जो कभी कोई सोच ही ना पाए। तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम एंड कौटिल्य के टाइम पे स्पाइस जो हुआ करते थे वो छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे, जिनको बोला जाता था चिड़िया, ठीक है। और कभी कोई बात भी कर रहा है कि चिड़िया ने ये बताया है, चिड़िया ने वो बताया है, तो आदमी कभी सोच ही नहीं सकता कि चिड़िया क्या है। छोटे छोटे बच्चे, पांच पांच छह छह साल के बच्चे जो हैं उनको ट्रेन किया जाता था। अबडक्शन ऑफ विमेन वर देयर, ठीक, औरतों को उठा लिया जाता था और फिर उनको ट्रेन किया जाता था एंड दे वर मेड स्पाइस, उनको बनाया जाता था जासूस, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, ठीक। आप जान के हैरान होंगे कि चंद्रगुप्त के जो बॉडीगार्ड थे वो सब के सब फीमेल्स हुआ करती थी, ठीक। जो जब वो कक्ष में सो रहा है तो बाहर जो भी वेट कर रहे हो, जो भी वो कर रहे हो, वो सब फीमेल्स हुआ करती थी, ठीक है। आउटसाइड द वर्ल्ड आप देखेंगे कि मैक्सिमम लोग जो थे वो यूनक्स हुआ करते थे, ठीक। मैक्सिमम जहां पे रानियां वगैरह रहती थी तो लोग को क्या रखा जाता, यूनक्स को रखा जाता था, ठीक है। उनको कास्टेट करवा दिया जाता था अगर नहीं भी है तो, ठीक है। और उसके बाद लेकिन चंद्रगुप्त के टाइम पे यू विल सी दैट फीमेल आर देयर, ठीक, जो क्लोज कॉन्फिडेंट है, मतलब जो खाना देंगे, पानी देंगे, ये सारी चीज उनके लिए फीमेल्स रखे जाते थे, ठीक है। और जो द्वारपाल है उनका वो भी क्या होंगी, फीमेल्स हैं, किसी भी मेल को नहीं रखा जाता था। और मेल तभी होंगे जब, और हर दो दिन बाद जो नौकर थे वो बदल दिए जाते थे। अगर वो बाहर जा रहा है तो हर दो दिन बाद नौकर चेंज, क्योंकि जब आप लंबा समय राजा के साथ बिताएंगे तो आपको राजा की इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी। आज देखिए आप, जो ड्राइवर होता है उसको घर के सारे सीक्रेट पता होते हैं, इवन नौकर को भी, तो लोग खतरे में रहते हैं। आपके बच्चों को, आजकल के बच्चों को पेरेंट्स से ज्यादा नौकर जानता होता है। ड्राइवर को पता होता है कि बेबी और बाबू को क्या पसंद है, क्यों, क्योंकि आपने सब कुछ ओपन करके रख दिया। अर्थशास्त्र में यही है कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन जो है ऐसी होती है जो किसी के सामने नहीं खोलनी चाहिए, ना ही बात करनी चाहिए। जैसे पहला चीज वो है कि अगर पेरेंट्स हैं, अगर हस्बैंड वाइफ हैं, तो उनको अपनी बातें हमेशा अपने साथ ही करनी, किसी तीसरे को कभी नहीं बताना चाहिए। राजा जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने एडवाइजर से ही बात करेगा, और एडवाइजर्स में भी वो कभी भी अपना मत नहीं, अपना सिर्फ फैसला सुनाएगा। ये नहीं बोलेगा कि मैं क्या चाहता हूं, कि पहले डिस्कशन में बोल, पहले सबकी सुनो, सुनने के बाद फिर फैसला निकाल दो, खत्म, मेरा वचन ये शासन, जाओ अप्लाई करो इसको। और उसके लिए वो स्टैंड ले, डिसीजन चाहे गलत हो चाहे सही हो, वो टिका रहेगा उस पर कि ठीक है, ले लिया तो ले लिया। अब वो गलत है तो उसको अगली बार सुधारा जाएगा और उस पर पश्चाताप नहीं किया जाएगा। क्यों, क्योंकि व्हेन यू हैव टू रूल सच अ लार्ज और वास्ट किंगडम तो गलतियां तो होंगी होंगी, एक आप इंसान है, तो उन गलतियों पे रोना नहीं है, उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करनी, ठीक है। और चंद्रगुप्त के जो रूम्स हुआ करते थे वेयर ही यूज्ड टू स्टे एंड स्लीप, इवन क्वींस वर नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग कि आज चंद्रगुप्त रात में कहां सो रहा होगा, किसी भी रानी को नहीं पता होता था, ठीक है। अगर चंद्रगुप्त चाह रहा है कि हाँ भाई रानी को बुलाया जाए तो रानियों के पास मैसेज पहुंचेगा, उनको एक गुप्तचर या जो भी पर्सन है वो लेके आएगा, ठीक है। अदरवाइज ये चंद्रगुप्त खुद चला जाएगा, लेकिन नो वन विल नो कि आज चंद्रगुप्त कहाँ टिका हुआ है। पर हर दो तीन दिन में उसके रूम जो है वो चेंज हो जाते थे, ठीक है। और जो महल हुआ करता था अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीस, जो महल था उसमें 64 to 66 रूम्स हुआ करते थे एंड 80 एंट्रेंसेस हुआ करते थे। रूम्स जो है पर्सनल रूम्स, ठीक है, और 80 एंट्रेंस हुआ करते थे। 80 एंट्रेंस का मतलब समझ रहे हो, अगर कोई बाहर से आया किसी को नहीं पता है तो वो भूल भुलैया में फंस जाएगा,
वो कभी पहुंच ही नहीं पाएगा जहां उसको पहुंचना है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, इवन रानी को भी नहीं पता है कि चंद्रगुप्त कहाँ रहता है, तो कौन मारेगा? और अगर मारना चाहते भी है क्यों, और ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ऑब्वियसली दे हैव किल्ड द सिटिंग किंग धनानंद, तो धनानंद के भी तो कुछ क्लोज कॉन्फिडेंट होंगे ना, जो कि आर्मी में काम कर रहे थे, जो कि नोबल्स होंगे, अमात्य होंगे, वो थोड़े चाहेंगे कि एक लो बॉर्न इंसान जो है वो आज क्या है, राजा बना हुआ बैठा हुआ है और वो हमको रूल कर रहा है, तो खतरा तो बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो नीति आयोग जो है अभी भी ये सारी चीजों को फॉलो करता है, खासकर बुक नंबर 6-13। आई डोंट नो आपने कभी सुना है कि नहीं सुना, बट मैंने एक बार एस जयशंकर को कहते हुए सुना है दैट आई फॉलो अ वेरी ट्रेडिशनल बुक फॉर माई डिप्लोमेसी, ठीक, एंड इट इज वेरी ओल्ड, इट इज अ जेम ऑफ इंडियन लिटरेचर। ठीक, अब इंडियन लिटरेचर में उन्होंने नाम नहीं बताया, क्यों बताएंगे भाई, सब लोग ही जाके पढ़ लेंगे, मिस्ट्री बनी रहनी चाहिए। ठीक है, और सब कुछ नहीं बताना होता है, कुछ चीजें अपने तक रखनी होती हैं, बस आपको हिंट देके छोड़ देना होता है ताकि लोग परेशान रहे। ठीक, आप अपनी नॉलेज अपने तक रखिए। ठीक है, तो ये तीन किताबें हैं, उसके बाद मेगस्थनीज आता है। मेगस्थनीज जो है वो अलग ही इंसान है। सेल्यूकस निकेटर को जब डिफीट किया जाता है बाय चंद्रगुप्त मौर्य, तो सेल्यूकस निकेटर ने खूब सारे जमीनें जो हैं जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में हुआ करती थी, ही हैज गिवन टू चंद्रगुप्त मौर्य। और इसके बाद क्या किया जाता है, अपनी बेटी हेलेना उसकी शादी भी करवा दी जाती है। ठीक है, उसको भी भेज दिया जाता है चंद्रगुप्त के साथ, क्यों, क्योंकि हम एलाइज हो गए हैं। ठीक है, कि आदमी कितनी भी गद्दारी करेगा लेकिन कभी अपनी बेटी को विधवा नहीं देख सकता। ठीक है, तो इसलिए ये मैट्रिमोनी अलाइज किए जाते थे और खासकर ये सबसे बेस्ट वे हुआ करता था। ठीक, और क्या किया जाता है, एक एम्बेसडर भेजा जाता है किसके कोर्ट में, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, और जो एम्बेसडर था वो कौन था, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज का काम था कि तुम सब कुछ देखते रहो और अगर कभी कुछ गड़बड़ लगे तुमको तो गुप्तचर के हाथों आप न्यूज पहुंचा दो, किसके पास, निकेटर के पास। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि दोनों के बीच में कभी अगर ये लोग गलत फैसले भी ले रहे हैं तो वो लोग बोलेंगे देखो हमें पता है, ये सब मत करो। ठीक है, तो उसको रखा गया, बट वो क्या है, उसने सारी चीजें नोट डाउन करते रहे। मेगस्थनीज ने खूब सारा कंपाइलेशन किया और उस कंपाइलेशन का नाम रखा इंडिका, और इंडिका इज लॉस्ट टू एवरीवन, वो अभी है ही नहीं किताब, उस पर कॉमेंट्रीज मिलती हैं, स्टारबो, प्लाइनी, टॉलमी, ये जितने भी ग्रीक ऑथर्स हैं इन्होंने इंडिका को उस समय पढ़ा और उसको पढ़ने के बाद दे हैव गिवन देयर इन्फरेंसेस कि भाई हमने ये समझा कि इंडिया में जो एम्पायर है उसमें ये चीजें हैं, वेयर दे हैव रिटन कि इंडिया में क्या है, 7 divisions हैं। ठीक, इंडिया में फैक्ट्री सिस्टम है, 5 divisions है फैक्ट्रीज, और 6 divisions है फैक्ट्रीज के, एंड एवरी फैक्ट्री और एवरी डिपार्टमेंट इज रूल्ड बाय 5 officials। दे हैव रिटन कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी बहुत ही वास्ट है, और बिल्कुल वास्ट है, 27 अध्यक्ष हुआ करते थे, 18 तीर्थ हुआ करते थे, 27 अध्यक्ष, कई सारे, सीता अध्यक्ष, शुल्क अध्यक्ष, ठीक है, पाय अध्यक्ष, पना अध्यक्ष, अलग अलग करके हर एक डिपार्टमेंट का एक पर्सन हुआ करता था, और 18 तीर्थ जो थे वो उनके नीचे काम करने वाले लोग, देन उसके बाद सेक्रेटरीज हुआ करते थे, आयुक्त जिसे कहते हैं उनको, उस समय युक्ता कहते थे, युक्ता से ही आयुक्त बना है। ठीक है, तो वास्ट ब्यूरोक्रेसी वॉज देयर, ठीक, इतनी लंबी ब्यूरोक्रेसी है कि आप यूपीएससी निकाल लेंगे लेकिन ब्यूरोक्रेसी को भी याद नहीं कर पाएंगे। ठीक, इतनी वास्ट है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम एक एक करके धीरे धीरे कवर करेंगे।